थी लोगों की, कहीं किसी को गांव जाना है या इस तरीके की बहुत सारी समस्या थी, जिसमें हमारी संस्था के सभी पदाधिकारी और मैं सब मिलके हम लोगों ने काफ़ी कोरोना काल में काम किया है, और उसके वजह से आज यहाँ पे कोरोना योद्धा का एक सम्मान मिला है। उसके लिए मैं थैंक्स बोलूँगा हमारे कल्याण जी, जाना जी का और उनकी पूरी टीम का। इस तरीके से जो भी हमारे समाज में जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए कल्याण जी जाना जैसी संस्थाएं जो हैं वो बुला के उनको प्रोत्साहित करती हैं, उससे हमें और बल मिलता है। ऐसा लगता है कि नहीं यार, अगर हमारे कार्य की सराहना हो रही है तो हमें और बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो आज हमारे जैसे बहुत सारे यहाँ पे कोरोना योद्धा आए हैं और उनको आज सम्मान मिल रहा है, मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वो गुना उन्हों सेवा बहुत की हुई है, सबके सामान लेकर चावल गेहूँ जो भी है सबके यहाँ पे जा कर उनको दिया, बहुत बड़ी बात है। वो भी ऐसे समय पर कोरोना के समय पर, जो कि मैंने भी किया हुआ है कोरोना के समय पर भी, ये मेरे से इतना नहीं हुआ जितना जाने से हुआ है। वो जाने से ये अपनों सीखना चाहिए उनसे कि कैसा सेवा करना होना। लॉकडाउन में 2020 के अंदर में मार्च से जो है लॉकडाउन जब शुरू हुआ तब से हमने राशन बांटना शुरू किया है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह राशन बांट रहे हैं। कल्याण जी जाना जी के साथ भी हमने जो है राशन, जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में जो काम करते हैं जिनके घरों के अंदर जाके हमने राशन बांटा है वहाँ पर, और कल्याण जी जाना का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस ट्रॉफी से नवाजा है, मुझे जो लायक समझा है उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसको उसका पुरस्कार मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, और इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कल्याण जी जाना को, जो जिस लायक है उसको पुरस्कार देते हैं वो। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, आई हैव पुट ऑन 33 इयर्स सर्विसेज ड्यूरिंग कोरोना। मेनी ऑर्गेनाइजेशन हेल्प अस एट देयर एंड। मिस्टर जाना ऑर्गेनाइजेशन वॉज वन ऑफ देम। दे वर वेरी हार्डली ऑन आवर एवरी कॉल, दे वेर अराउंड अस एंड दे आर ऑल्सो, I will say that credit should go to them, that organization also, to control the corona. Still they are working for the poor aspects of the society. I wish them all the best. Thank you. This is my first time award है, और सब लोग उनको बहुत सारा support करिए। मैं चाहती हूँ कि कल्याण जी बहुत आगे बढ़े और उनको ऐसा platform मिले जो सब लोग जाने हों। मैं धन्यवाद देती हूँ और कल्याण जी जाना जी के लिए, सर के लिए धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने अवार्ड शो शुरू किया है, और सचमुच सच्चे लोगों को योद्धा लोगों को उन्होंने अवार्ड दिए हैं। और आज का अवार्ड शो इतना अच्छा हमारा गया है कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे सोशल एक्टिविटीज, सोशल वर्कर्स, अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे जो सोशल इसमें काम कर रहे हैं उनको अवार्ड दिया गया है, जो अच्छे काम कर रहे हैं। देखिए कोरोना में लोगों को मैं सोशल मीडिया के जरिए बहुत लोगों को मैंने हंसाया है, और जहाँ तक मैं और मेरी डॉटर, वो सभी लोग इंसानों की तो मदद सभी कर रहे थे। मैं और मेरी डॉटर निकले थे डॉग के लिए, डॉग्स को हम फीड कराते थे, क्योंकि दो दिन हमने सोचा कि यार अब उनको खाना कौन, क्योंकि कोई ऑडियंस ही पब्लिक ही नहीं बाहर, तो उनको कौन खाने का। ये मेरी डॉटर ने मुझे आइडिया दिया कि डैडी हम निकलते हैं, मतलब बाहर पुलिस है डंडे डंडे पड़ेंगे, मतलब नहीं मास्क लेके जाएंगे और खाना दिखाएंगे तो शायद कुछ नहीं बोलेंगे। तो हम लोग थोड़ा दूर दूर तक जाते थे और वहाँ पर डॉग्स को खाना खिलाया, और मैं लोगों से कहता हूँ कि एनिमल्स के लिए बारे में सोचिए आप लोग, एनिमल्स भी चाहते हैं कि उनका भी कोई अपना हो, लेकिन इस जरिए कोविड के जरिए इंसान तो बहुत तकलीफ में है, लेकिन एनिमल से बड़ा प्रभाव पड़ा। कोविड जो महामारी जो चली, उस महामारी में हमारा पूरा देश डिस्टर्ब रहा, तो दोस्तों ये जो सम्मान है ये उन योद्धाओं के लिए है जिन्होंने कोविड में जो आम पब्लिक के साथ खड़े रहे। तो दोस्तों कई जो डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, और हमारी जो कैटेगरी है लॉयर्स ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं आपको बताऊं, हमारा जो जयपुर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जो है, उन्होंने हर जूनियर एडवोकेट को 5,000 रुपीज़ दिया है, और एडवोकेट्स का काफ़ी ध्यान रखा है जो न्यू कमर्स हैं। तो दोस्तों मैं यही करना, मैं हूँ संजय भूषण पटियाला, और आज ऑर्चिड होटल मुंबई में
कोरोना योद्धा सम्मान समारोह रखा गया है कल्याण जी जाना की तरफ से, और कई साल से ये सम्मान समारोह कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के लिए खास करके आज सम्मान रखा गया था। उन सभी पुलिस वालों, डॉक्टर्स और आम एनजीओ चलाने वाले सभी लोगों को सम्मानित किया गया जो जीरो लेवल पर काम किए हैं। और आप लोग मालूम है कि आज नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सुबह में रेडियो के माध्यम से सभी देशवासियों को नमस्कार बोलते हुए कहा है कि 1 करोड़ से उनकी शुरुआत हुई थी, अब उनकी शुरुआत 100 करोड़ तक पहुँच चुकी है, यानी कि वैक्सीन 100 करोड़ लोगों को लग चुका है। उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत ही बधाई के काबिल हैं, और उन सभी योद्धाओं को भी शुभकामनाएं दिया जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे पहले वैक्सीन को लिया। अभी पहला वैक्सीन 100 करोड़ लोगों को लग चुका है और बाकी सेकंड कुछ दिनों मुझे लगता है कंप्लीट हो जाएगा वो भी। और ये पहला हिंदुस्तान ऐसा देश है जो इतना जल्दी इतना लोगों को कवर करते हुए सबको वैक्सीन लगाया गया है, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो नर्स हैं और हमारे जो एनजीओ चालक है जो इस तरह के चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने मीडियाकर्मी हैं इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रसारित करें। थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी काम किया, यू वर्क सो मच हार्ड, क्या कहना है कोरोना योद्धा अवार्ड, क्या कहना चाहेंगे? कोरोना काल में जिन लोगों ने किसी भी तरह से किसी की भी सहायता की हो उसके लिए ये सम्मान था, और जिन जिन लोगों ने कोरोना काल में या अन्य दिन भी किसी भी तरह के किसी को भी मदद करते हैं उन सबको सम्मान मिलना चाहिए। और इसके लिए मैं कल्याण जी जाना का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने भी मुझे इस लायक समझा और मुझे चुना। मेरी जितनी कैपेसिटी है, जितनी हैसियत है, उस हिसाब से मैंने भी किया थोड़ा बहुत जो कुछ किया है मैंने, यहाँ पर बोलना उचित नहीं रहेगा, लेकिन जागरूक करना जो काम आपने किया है तो इस सम्मान के सच्चे हकदार आप सब भी हैं, तो सभी मीडिया को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने क्या परफॉर्मेंस किया अंदर? मेरे जो परफॉर्मेंस था, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ पर लोगों को एंटरटेन करने आया। मैंने यहाँ पे कपिल शर्मा शो में जो कृष्णा अभिषेक जी का कैरेक्टर है सपना, ए 1 करोड़ दौड़ना, वो सपना कैरेक्टर में मैं आकर जहाँ तक मुझसे जो बन पाया मैंने यहाँ पे आए हुए हमारे जो गेस्ट थे उनको हंसाने का प्रयास किया और काफ़ी सराहना और तारीफ मिली। ये अवार्ड कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? हाय, आई एम डॉक्टर विनया देसाई, आई एम एन एनेस्थेशियोलॉजिस्ट एंड एन इंटेंसिविस्ट। ड्यूरिंग दी कोरोना पैंडमिक आई हैव वर्कड इन नेस्को एज एन ICU कंसल्टेंट मैनेजिंग दी कोविड पेशेंट्स, एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट नायर हॉस्पिटल। Even right now we are serving COVID patients both in the ICU as well as in the operation theatres. The situation of corona that time was really severe, but now it has come down a lot. We are getting less cases thanks to the vaccination and the government efforts. बात होती है कई साल मेहनत करने के बाद जब इंसान को ये ट्रॉफी मिलती है ना, कहते हैं ना कि मतलब कि जैसे अलामा इकबाल के शेर से अगर बताया जाए कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो बहुत सारी मेहनत करने के बाद जब कोई दीदावर मिल जाता है, इस तरह का मान सम्मान मिलता है, तो उसके लिए बहुत ही मतलब बहुत ही मज़ा आता है। ऐसा लगता है जैसे करोड़ों रुपये मिल गए, ये कलाकार का जो सम्मान होता है। दूसरी बात, ये जो COVID-19 योद्धा अवार्ड है, और ये अवार्ड कोविड में जिन जिन लोगों ने बहुत सारे काम किए, सबसे ज़्यादा काम तो हमारे घनिष्ठ मित्र, जैसे कि कहा जाए कल्याण जी जाना ने खूब सारे काम किए हैं, बहुत मेहनत की है उन्होंने, और इस तरह के अवार्ड दे के सबको सम्मान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आज बहुत ही अच्छा एक माहौल क्रिएट हुआ है जो कि COVID-19 योद्धा अवार्ड यहाँ पर दिया जा रहा है, जिन्होंने वाकई में इस कोरोना काल में ज़रूरतमंदों की हेल्प की है, सो उनको अवार्ड दिया जा रहा है। सो मैं सबसे पहले थैंक यू सो मच करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कल्याण जी जाना जी का, जो मेरे बड़े भाई हैं, और अभी हाल ही में भी मैंने उनके साथ काम किया है, मैंने गाना रिकॉर्ड किया है, इस गाने का नाम है बारिश कराओ यारो, मिलने का है इरादा, सो वो गाना भी जल्दी आप सभी के रूबरू आएगा। और एज़ ए प्लेबैक भी मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ एज ए प्लेबैक सिंगर, और बाकी बहुत अच्छा लगता है कि जब
आपको अवार्ड, नेचुरल सी बात है अवार्ड से आपको जब नवाजा जाता है तो अच्छा लगता है। DIFL टीम के सभी को मेंबरों को बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर श्री कल्याण जी जाना को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कोरोना काल में जो कोरोना काल में अच्छे कार्य कर रहे हैं उनको सबको सम्मानित कर रहे हैं, इसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है कल्याण जी जाना को कि वो आगे बढ़ें और उन्नति करें। और यह पुरस्कार जो सम्मान मिलता है इससे इंसान का उत्साह बढ़ता है, इसलिए कल्याण जी जाना बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेरा बहुत आशीर्वाद है कि वह अच्छा ही कार्य करें। आज बहुत ही अच्छे दिन पर वो रखे हैं, हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार में आज करवा चौथ है। सौभाग्यवती माताओं एवं बहनें आज अपने पति के दीर्घायु के लिए व्रत रहती हैं। सभी माताओं एवं बहनों को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। मैं यही बताना चाहता हूँ कि देखिए इसके नाम से कोरोना योद्धा का अवार्ड दिया जा रहा है कि जिसको लेने के बाद हर इंसान अपने आप को बहुत प्राउड फील करता है। बॉलीवुड के फादर कहा जाता है वो हैं दादा साहब फाल्के, उनके नाम पे कोरोना योद्धा का अगर अवार्ड मुझे मिल रहा है और मुझे अवार्ड उन्होंने दिया है कम्युनिटी किचन, जो हमने कोरोना काल में जितने भी लोग थे उनको कम्युनिटी सर्व किए इसके लिए दिया गया, तो मैं सबसे पहले कल्याण जी के और पूरे टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हमारे साथ जितने भी लोग कोरोना काल में हमारे कम्युनिटी किचन को चलाए, जैसे नंदन सिंह, सिकंदर साहू, अनुष्का चौहान, पंकज चौधरी, ये लोग का भी इस अवार्ड के वो लोग भी हकदार हैं और मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ख़ासकर मैं अपने सांसद गोपाल सेट्टी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और जितने भी हमारे इस संस्था से जुड़े हुए हैं श्री महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट से, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, काफ़ी आपने कोरोना काल में काफ़ी लोगों को जरूरतमंदों की मदद की, तो उसके बारे में बताइए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोरोना काल ईश्वर दोबारा ऐसा संजोग हिंदुस्तान को ना दे। ये ऐसा स्थिति था कि घर से कोई बाहर निकल नहीं रहे थे, ऐसे में हमारे युवा साथी और ख़ासकर हमारे संस्था के जो जुड़े हुए लोग थे, जैसे हमारी चेयरमैन रेखा त्रिपाठी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग हर समाज को लेके सोच के चले, मंदिर के पुजारी को लेके, किन्नर को, जिनको आप लोग जानते हैं कि ट्रैफिक में किन्नर को पैसा मिलता है तभी उन लोग का खाना पीना चलता है, उन लोगों को भी हम लोगों ने संस्था के माध्यम से राशन देने का काम किया है और इसीलिए हमें लगता है कि ये अवार्ड से हमें सम्मानित किया गया है। आज करवा चौथ है तो विशाल भगत द्वारा मिशन विशाल भगत के लिए क्या कुछ तैयारियां? सर, आज आपको अवार्ड मिला है, क्या कुछ करना चाहेंगे और कितनी खुशी होगी आपको? कल्याणी जाना ने जो आज अवार्ड रखा है, ये 2 साल में कोविड के टाइम पे जो लोगों ने बहुत सारे लोगों को मदद की, जिन्होंने उनको कोविड योद्धा नाम से ये अवार्ड दिया, हमने भी काफ़ी लोगों को हेल्प की और काफ़ी लोगों को अनाज बांटा है, मैंने भी उसी बात पे कल्याणी जाना ने मुझे अवार्ड दिया है, उसके पूरे ग्रुप को और उसको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।